हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जीबिशन बूथ के ऊपर। और भाई माजरत के साथ, मेरा काफ़ी टाइम बाद कंटेंट आ रहा है। असल में वजह यह थी कि जॉब थी और फिर अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैं देखता हूँ, जो मैं पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ, तो इस वजह से मैं कॉन्टेंट नहीं ला पा रहा था। लेकिन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर बताया था कि मैं इंशाल्लाह जल्द एक न्यू वेबसाइट के साथ हाजिर होंगा, 3D मॉडल सेलिंग की। ठीक है, तो आज का बेसिकली टॉपिक है हमारा एग्जीबिशन बूथ के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो एग्जीबिशन नॉर्मल बूथ्स हैं वो आप कौन कौन से क्रिएट करके वहाँ अपलोड करके ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने जो अपनी सेल ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करनी है ना, वो हमें कौन कौन से मॉडल्स पे फोकस करना है। ठीक है, आपने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊँ उसके ऊपर आपने वर्किंग भी करना है, और बहुत ही दिल से वर्किंग करना है। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि आप किन किन मॉडल्स के ऊपर वर्किंग करें और उनको अच्छे से मॉडल करके रेंडरिंग करके वहां टर्बो स्क्वाड या सीजी ट्रेडर्स या दूसरी वेबसाइट है वहां पे अपलोड करें, ताकि सेल आपको ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। और मैं अपनी भी सेल शो करवाऊंगा कि जो मैंने एक नॉर्मल 3D मॉडल बनाया था वो कितनी बार सेल हो चुका है, उसकी सेल क्या है। चलते अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम मजेद वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, सबसे पहले टर्बो स्क्वाड का। टर्बो स्क्वाड का मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ, मेरा टर्बो स्क्वाड का अकाउंट ओपन है। यहाँ पे मैंने जो 3D मॉडल्स अपलोड किए हुए हैं, एक 3D सुपर मार्केट शेल्फ कलेक्शन है। ठीक है, इसमें पूरे 3D मॉडल्स की कलेक्शन है। बाकी 3D शेल्फ है, शैम्पू है, डाइनिंग टेबल है, और इसके अंदर ये आता है मेरा एग्जीबिशन बूथ। ठीक है, एग्जीबिशन बूथ है ये मेरा, ये दूसरा अकाउंट है जो मैंने अपनी सिस्टर के नाम पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मुझे ये तकरीबन 3D मॉडल का जो अपना एग्जीबिशन बूथ है, ये तकरीबन 3 टाइम सेल हो चुका है। इसने मुझे $17 अर्न करके दिए हैं। और मेरा 3D मॉडल ये है, एग्जीबिशन बूथ है ये, डिफरेंट किस्म के इसके अंदर रेंडर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, और थोड़ा सही टाइम ले रहा है। हाँ सही है, ये आ गया। और ये डिफरेंट किस्म के एंगल्स है जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मैंने अपलोडिंग इसके अंदर की हुई है। तो ये तकरीबन 3 टाइम्स जो है ये सेल हो चुका है, $17 इसने मुझे अर्न करके दिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा सेल जिसकी होती है वो होती है 3D सुपर मार्केट शेल्फ, यानी कि ये जो आपके सामने है ये। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। इसमें क्या है, एनवायरमेंट बनाना होता है, मॉडल्स शॉप का मॉडल होता है, या हमें कोई कैटेगरी प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह यानी कि मॉकअप दिखाना पड़ता है यहाँ पे हमारी अपनी प्रोडक्ट रख के दिखानी पड़ती है, तो उसके लिए भी ज़्यादा यूज़ होता है। शॉप्स वगैरह क्रिएट होती हैं तो उसके लिए भी ये क्रिएट किया जाता है और रेंडरिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा सेल इसकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी 3D सुपर मार्केट शेल्फ की। 7 टाइम्स ये सेल हो चुका है, उसने में मुझे $21 यानी कि $21 अर्न करके दिए। ठीक है, तो ये था। और दूसरा जो है, मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ एक एक स्टेप मेरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसको फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर सेल जनरेट होगी। ठीक है, अच्छा मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, आपने जो फोकस करना है, ठीक है, अपने जो 3D मॉडल्स बनाएंगे आप स्टॉल्स के, एग्जीबिशन स्टॉल्स के, वो आपने मिनी मिनी चूज़ करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपने उनको क्रिएट नहीं करना है। उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर उसके अंदर चीज़ें आपको ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, फिर रेंडरिंग हाई फाई देनी पड़ेगी, डिफरेंट एंगल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अब मेरे सामने ये 3D मॉडल है, ठीक है, 3D मॉडल है, जस्ट मॉकअप है ये, बूथ मॉकअप PSD लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है आपके अपने आर्टवर्क आ सकते हैं, आप यही चीज़ 3D में क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली है। आप इसको 10x10 मीटर पे भी बना सकते हैं, 5x5 मीटर पे भी बना सकते हैं, और यहाँ पे जो है ये वॉल्स खड़ी कर सकते हैं 8 फिट की आप यहाँ पे वॉल्स खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आर्टवर्क लगा हुआ है यहाँ पे पेस्टिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग हेयर, लोगो हेयर, या डिफरेंट किस्म की जो भी ये काउंटर आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे मॉडल्स आपने क्रिएट करने हैं और टर्बो स्क्वाड पे CG ट्रेडर्स पे अपलोड करने हैं। मगर शर्त ये है कि CG ट्रेडर्स पे आपको पता है कि वहाँ पे कहीं से मॉडल उठा के डाउनलोड नहीं करना है, चेयर्स जो है आपने खुद क्रिएट करनी है अगर आप CG ट्रेडर्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने छोटे छोटे मॉडल्स क्रिएट करने हैं, जैसे ये हो गया, आप ये देखें इस टाइप का आपने जो है नॉर्मल छोटे से क्रिएट करने 3D मॉडल्स जो होते हैं ना एग्जीबिशन बूथ के, अब ये देखें इस तरीके का। ये बेसिकली होता क्या है कि छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं ना, वो अपने जस्ट एग्जीबिशन के लिए कुछ भी नहीं करती, बस नॉर्मल सा अपना सेटअप लेती हैं, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करती हैं और जाके वहाँ पे एग्जीबिशन की मार्केटिंग करती हैं, एग्जीबिशन करके मार्केटिंग करती हैं अपनी कंपनी की। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनके फिर हाई फाई 3D मॉडल्स होते हैं, यानी कि वो खुद क्रिएट करते हैं, खुद आइडिया जनरेट करते हैं कि हमारा जो एग्जीबिशन बूथ है वो बहुत हाई फाई होना चाहिए, फिर उसकी प्रोडक्शन भी बहुत हाई फाई होनी चाहिए। तो वो रेडीमेड जो बने बनाए ऑनलाइन मॉडल्स होते हैं उनके ऊपर नहीं जाते, फिर ये अलग से डिज़ाइनर हायर करते हैं
और जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरनेट से जस्ट उन्होंने कोई भी एक छोटा सा मिनी सा मॉडल उठाया, 3D मॉडल, उसके ऊपर इस तरीके का अपना मॉडल उठाया, उसके ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग करने के बाद वहाँ मार्केटिंग कर ली। तो ये ज़्यादा जल्दी सेल होने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जीबिशन बूथ के अंदर, ठीक है। और ये इसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएगी। जो मैं खुद भी आपके सामने कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल सा 3D बूथ था, एग्जीबिशन बूथ था, जिस जो मुझे 3 टाइम जो है अर्निंग दे चुका है। और मेरी जो दूसरी वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो है, उसके ऊपर भी जो है मुझे काफ़ी अच्छी जो है ना सेल आ चुकी है, वहाँ से मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ। और मैंने आपको जो है अपनी विड्रॉल ये वाले आईडी के ऊपर भी दिखाई थी कि किस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो टर्बो स्क्वाड का जो मैं $25 का विड्रॉल भी ले चुका हूँ, इस तरीके के मॉडल्स हैं। आप एग्जीबिशन बूथ आपने करने हैं, नॉर्मल नॉर्मल आपने रखना है, ठीक है, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। अब ये देखें आपके सामने एक छोटा सा 3D मॉडल है जो एग्जीबिशन बूथ है, आपने एक जस्ट इस तरीके की क्रिएशन करनी है ना मॉडल की, ज़्यादा बड़े और बहुत हाई फाई लेवल के ऊपर आपने एग्जीबिशन बूथ क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और फिर आपके, जाहिर सी बात है, आप प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे जो उसमें मेहनत ज़्यादा है। तो आप ये देखें इसके अंदर अगर ज़्यादा चीज़ें आप प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे फिर वो सेल होने के चांसेस कम है। जितने छोटे मॉडल और क्रिएटिव मॉडल बनाएंगे आप और सेल जो अपनी जो प्राइस है वो कम रखेंगे उतनी ज़्यादा सेल आपको जनरेट होगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप हाई फाई भी बनाना चाहते हैं तो हाई फाई भी क्रिएट करें, और आपके पास टाइम है तो ज़्यादा टाइम लगा के हाई फाई क्रिएट करें, मतलब उसके जो प्राइस है आप $5 $10 रख दें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, सेल इतनी नहीं आती आपकी, ठीक है ना। तो तमाम फाइलें अच्छे से अपलोड करें, और ये डिफरेंट किस्म के, अब एग्जीबिशन बूथ स्मॉल कर देता हूँ मैं इसको, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, स्मॉल 3D मॉडल्स आ जाएंगे आपके खूबसूरत से, ये देखें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बैक वॉल पे ब्रांडिंग है, आगे एक कियोस्क रखा हुआ है, ठीक है, और 4 सीट्स रखी हुई, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब ये देख लें बैक वॉल पे खाली ब्रांडिंग आ रही है, ठीक है, ब्रांडिंग आ रही है, आगे एक जो है आपका पोडियम रखा हुआ है, ठीक है, रिसेप्शन डेस्क रखी हुई है, और ये जस्ट ब्रांडिंग हुई है, ठीक है। अब ये वाला देख लें, आप दो साइडों पे जो है आपके LEDs लगी हुई है, और पीछे जो है लोगो वॉल बनी हुई है, आगे दो टेबल्स अपना सीट्स रखी हुई हैं। तो इस तरीके से अब ये, अब आपके सामने ये देख लें कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉर्नर का एक एग्जीबिशन बूथ है, जस्ट छोटी नॉर्मल सी कंपनी जो एडवर्टाइजिंग कर सकती है। उन्होंने क्या किया, एक पोर्टेबल जो है फोल्डिंग वाला एग्जीबिशन बूथ के ऊपर वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, ये बैक वॉल बनाई आपने इस तरीके से, टेक्सचरिंग करी, 2 सीट्स रखी हैं, गमला रख दिया और ये प्लांट्स रख दिया, तो इस तरीके से आप बना बना के जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला देख लें, बैक वॉल है L शेप के अंदर और सामने एक पोडियम है। इस तरीके के छोटे छोटे आप 3D मॉडल्स क्रिएट करेंगे ना, अपने एग्जीबिशन बूथ क्रिएट करेंगे, तो इसमें सेल ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज के पास इतना बजट नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि जो है वो अपना अलग से एक जो है ना डिज़ाइनर हायर करें, उसको पैसे दें और अपने मुताबिक चीज़ निकलवाएं और फिर उसकी प्रोडक्शन में भी हाई फाई पैसे दें। बेसिकली आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, क्रिएटिव स्टॉल्स छोटे मोटे और जो लो बजट के हैं और अपना जो जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, उसमें अच्छी रेंडरिंग करें, अच्छी टेक्सचरिंग करें, तो ये होगा कि आपकी जो है कम बजट में टाइम भी कम लगेगा और आपकी सेल्स भी ज़्यादा जनरेट होगी। आज की वीडियो में हमारा इतना ही काफ़ी था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।